लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। इस बिल का पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध जारी है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने आज बंद बुलाया, जिसे कई संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो कभी तीखे तेवर और कभी भावुक बयानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास करा लिया। रात 12:04 पर हुई वोटिंग में 311 वोटों के साथ लोकसभा में बिल पास हुआ। हाँ वालों के प्रश्न हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब बारी राज्यसभा की परीक्षा की है, लेकिन बिल पर सियासत के नए नए तेवर और तीखे तंज जरूर सामने आ रहे हैं। जब बहिष्कृत एक सांसद के मेरी आंखों के सामने उन बुजुर्गों की तौहीन हो रही है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया, जिसमें तमाम मजहब के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क को आजाद करवाया और हमने खूबसूरत संविधान अपने आप को दिया और सिटीजनशिप मजहब के नाम का कहीं जिक्र नहीं है, आज ये सरकार अपनी ताकत की बुनियाद पर मजहब की बुनियाद पर कानून बनाने जा रही है, तो मेरी नजर में ये उन तमाम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन है। ताकत के बल पर फैसला हुआ है और ताकत भी बड़ी ताकत है, अपोजिशन की तादाद कम है, अपोजिशन कितनी ही सही बात कहे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अच्छे लोकतंत्र की मिसाल यह है कि सत्ता पक्ष को अपोजिशन की सही बात को न सिर्फ ये कि सुनना चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए। आप जब धर्म की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे हैं तो निश्चित तौर से आप किसी के खिलाफ हैं और किसी की हिमायत में हैं। आप अगर ये कहते हैं कि इन कंट्रीज से जो भी आएगा परेशान होके आएगा हम उसकी सिटीजनशिप देंगे, तब आपकी बात को सच माना जाता। आपने कहा इस धर्म के लोगों को देंगे, इस धर्म के लोगों को नहीं देंगे, उसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि किसी के खिलाफ नहीं है तो ये हास्यास्पद है। विपक्ष के आरोप साफ है, सरकार जिस बिल के जरिए शरणार्थियों को जगह देने का इंतजाम कर रही है उस बिल में मुसलमानों का नाम ना होने को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देर रात तक चली बहस में केंद्रीय गृह मंत्री ने ये साफ किया कि देश के मुसलमानों से इस बिल का कोई वास्ता नहीं। माननीय उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूँ जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए, हमें कोई नफरत नहीं। और आप, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है, इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। लोकसभा में बिल पास होने के साथ ही संसद के साथ ही सड़कों पर भी बिल पर बवाल शुरू हो गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में दुकानें बंद कर जबरदस्त विरोध किया गया, हजारों लोग सड़क पर आ गए, सरकार के फैसले के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। लेकिन लोकसभा से पास होने के बाद सरकार की अब अगली परीक्षा राज्यसभा में होनी है। लोकसभा में बिल को मिला समर्थन देखकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि राज्यसभा में बिल की राहें मुश्किल नहीं। हाल ही में पाला बदलने वाली शिवसेना ने लोकसभा में तो बिल को समर्थन दिया, लेकिन राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले ही उसके तेवर बदले बदले से नजर आए। वो बात मैं नहीं करना चाहता किसी समाज के लिए या मजहब के लिए, हर एक नागरिक नागरिक है, मेरे देश का नागरिक है और उसके मन में अगर कोई भी प्रश्न होगा तो उसका उत्तर मिलना चाहिए। जाहिर है नागरिकता के नाम पर सड़क से संसद तक संग्राम है, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि पूर्वोत्तर के लोगों में बिल को लेकर डर किस बात का है और बिल पर शुरू हुई सियासी बयानबाजियों के जरिए कौन अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में लगा है।